मैं उस अनपढ़ जाहिल चूतिए हरामी मानुस को समझा समझा कर थक गया। नहीं भाई नहीं, ये उम्र नहीं है तेरी शादी करने की। जिस उम्र में बच्चे कच्छा पहनते तू उस उम्र में कच्छा उतारेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, तू नहीं करेगा शादी। मैं समझा समझा कर थक गया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में तो बस एक चीज सवार थी। उसकी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा था मन का है कि सब कुछ छोड़ के हम साथ लाल। बेंचो बेटा, एक दिन तेरा पक्का काटेगी तेरी जानू। उसके बाद मेरा भाई और उसकी प्रेमिका एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जंगल में आगे आगे चल रहे थे। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया, और मैं अकेला अपने सपनों के टूटने का गम लिए हुए, दिल में दर्द और आंखों में आंसू के साथ उनके पीछे पीछे। क्यों किसी को आप मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकते। उस समय मेरे को कैसा लग रहा था। मिलती, मान लीजिए आपकी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है और पूरे लॉकडाउन आप उससे नहीं मिले। लॉकडाउन के 4 महीने आपने अपना हाथ जगन्नाथ समझकर उसी से काम चलाया। फिर एक दिन घर पर आप हार्पिक पीकर नशे में होते हो, तभी आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो आपसे बोलती है, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे, छुपके मिल जरा। बस इतना सुनते ही आपके अंदर का जानवर जाग जाता है। आपके अंदर के हार्मोन उछल उछल कर नाचने लगते हैं, और जिस इंसान ने पूरे लॉकडाउन मुंह नहीं धोया वो भी जाकर घड़ी साबुन से घिस घिस कर नहाने लगता है। आप तैयार होकर सबसे पहले भागते हो केमिस्ट के पास अपने बेटे के लिए शेरवानियां देखने। अंकल जी एक देना। एक क्या बेटा? अंकल वही। वही क्या बेटा, कोई नाम तो होगा ना उसका। अंकल वो। वो क्या बेटा? इतने में पीछे से एक आंटी आती है। भाई साहब मेरा सामान आ गया। क्या था मैम आपका? एक वाइब्रेटर, एक डिल्डो और 40 कॉन्डम। जी आगे। अंकल वही दे दो। कहा बेटा तुम्हें वाइब्रेटर चाहिए? नहीं अंकल उससे पहले डिल्डो। नहीं अंकल कॉन्डम। हाँ अंकल वही। तो ऐसा बोलो ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ अंकल जी वही। अब आप जरूरत की सारी सामग्री लेकर अपने जीएफ के घर जाते हो। अब माहौल गर्म हो जाता, हवा भी रोमांटिक हो जाती है। आपको लगता है कि आपका कार्य प्रगति पर है, लेकिन तभी नहीं। पर क्यों? नहीं बोला ना। पर क्यों? बस नहीं। लेकिन बताओ तो क्यों? मेरे पीरियड चल रहे हैं। चल झूठी, स्कूल तो बंद है। अबे अनपढ़ जाहिल चूतिए, पीरियड मतलब मासिक धर्म, कभी साइंस का 9th चैप्टर खोला है स्कूल में? इतना सुनते ही लौड़े लग गए। मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं ये देखकर। जितना दर्द आप लोगों के दिल में है ना, उतना ही दर्द मेरे दिल में था उस समय। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे अकेला। बहुत दर्द है दिल में। एलेक्सा प्लीज प्ले मोस्ट इमोशनल सॉन्ग। आत्महत्या कर लूंगा मैं। अब मेरी दो चीजें सोचकर फटे जा रही थी। पहली, अगर लड़की के घर वालों ने मुझे पकड़ लिया मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे अंदर कितने छेद करेंगे, और जो छेद पहले से ही है उसका क्या करेंगे। और दूसरी, जब मैं घर पहुंचूंगा चाची क्या करेगी। मेरा कहने को घर था लेकिन पूरा संसार रहता था उसमें। उस घर में मौसियों की भी मौसियां, भांजियों की भी भांजियां और अनगिनत पापा रहते थे। पापा, सबसे बड़े पापा, बीच वाले पापा और सबसे बड़े वाले पापा, वो क्या करेंगे हमारा। अब जैसे ही हम घर पहुंचते हैं मैं क्या देखता हूँ, चारों तरफ शादी की सजावट चल रही है, लोग नाच रहे हैं, दोस्त पागल हो रहे हैं, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है। भाई साहब ये हो क्या रहा है? नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आप लड़की भगाकर घर लाते हो तो
माँ बाप पिछवाड़े में चप्पल मार के घर से निकाल देते हैं, पब्लिक हॉकी स्टिक लेकर आपके पीछे भागती है और समाज आपका बहिष्कार कर देता है। बब बहनचो, अगर तुम भी ऐसा सोचते हो ना, तुम अनपढ़ जाहिल चूतिया और गांडू हो। तुम लड़की भगा कर लाते हो ना, तो घर वाले तुम्हारे गांडों पे दो लात मार के घर से बाहर नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हें घर के अंदर ले जाकर पूजा करेंगे और तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब बहनचो, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं। बस आज के लिए हो गया, और कुछ नहीं कहना मेरे को, मेरा दिल भर गया अब। बस इतना कहना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लेना। बाय।